आपके पास ना एक स्ट्रिंग है और मास नीचे लगा हुआ है 10 kg, स्ट्रिंग का मास नहीं है, तो क्वेश्चन है यार टेंशन निकालो क्या होगी, टेंशन पेयर में, तो इसका वेट 10 g है, रेस्ट पे है, पी किसके इक्वल है 10 g, बात क्लोज करते हैं, ठीक हो गया था। नेक्स्ट है, सपोज करो आपके सामने एक ये वेइंग स्केल है, वो तो ना तोलने वाली मशीन है, तोलते हैं सामान उस पर, तो ये वो तीन स्केल्स हैं, तीन एक के नीचे एक के नीचे एक लगा दिया और तीनों का मास नहीं है और स्ट्रिंग का मास भी नहीं है और यहां वेट है 10 kg, तो आपको ये बताना है कि ये कितनी रीडिंग शो करेंगे। अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है या जो बैलेंस है वो क्या शो करता है, वो भार, कितना वेट है, तो एक्चुअल में वो उसका प्रिंसिपल ये है, इसके अंदर से रस्सी निकलती है, एक्चुअल में रस्सी दिखा रहा हूं, वैसे स्प्रिंग निकलता है, स्प्रिंग होता है इसमें, चलो हम रस्सी से बात करते हैं, रस्सी निकलती है, ये जो रस्सी निकलती है ना, जितना भार होगा रस्सी उतनी टाइट होगी, ये क्या करता है रस्सी की टेंशन मेजर कर लेता है, जो भी रस्सी की टेंशन है वही वो रीडिंग शो कर देता है कि रस्सी में इतनी टेंशन है, तो इसका वेट है, वेट क्यों, क्योंकि सिस्टम किस पे है, एट रेस्ट, और अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो यहां पे 10 g, तो रस्सी में हर पॉइंट पर टेंशन विल रिमेन सेम, तो यानी कि रस्सी जब इसमें से निकलेगी तो टेंशन क्या होगी, इसमें 10 g, इसमें भी 10 g, इसमें भी 10 g, आंसर। अब सोचो अगर एक मिनट के लिए इसका भी वेट गिवन होता तो इसमें टेंशन क्या होती, इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट, इसमें टेंशन क्या होती, इसका वेट प्लस इसका वेट, इसमें टेंशन क्या होती, सिर्फ इसका वेट, ये आंसर होता। पर वैसे स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चन में उसका मास गिवन नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि कैसे करना है इसमें। सपोज करो ये क्वेश्चन है, इसमें 20 kg का मास इधर है, अगेन स्प्रिंग बैलेंस की लगा हुआ है, बीच में से रस्सी निकली हुई है और यहां पर 10 kg है, इसका वेट 10 g, इसका 20 g, तो ये सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, टिकेगा थोड़ी ना, क्योंकि भारी ये हल्का, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है विद ए, ये ऊपर जा रहा है विद ए, रस्सी में टेंशन TNT ड्रॉ कर ली, तो ये क्या मेजर करेगा, बैलेंस, टेंशन, दी स्ट्रिंग। टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो 20 g बड़ा टी छोटा, तो नेट फोर्स क्या होगी, 20 g माइनस टी इज 20 into A, राइट, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 10 g इज 10 into A, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी और साथ में क्या आएगा, टेंशन आएगी, ये रीडिंग शो होगी। ठीक, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन के अंदर ये लो, ये क्वेश्चन जरा बताना कैसे करेंगे, ये मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये मान लो एक स्ट्रिंग है जो अंदर से पास कर रही है, यहाँ पे एक पुली है, ये पुली है, सच दैट ये पुली से यहाँ ये मास है, फिफ्टीन केजी है, तो आपको बताना है कि ये क्या रीड करेगा, ये क्वेश्चन है। कितना आंसर है, जीरो, जीरो का मतलब रस्सी टाइट नहीं है, बल पड़े हुए हैं, नहीं नहीं टाइट है यार, रीडिंग तो आएगी, 15 kg वेट मेजर करती है, फोर्स आनी चाहिए, टेंशन केजी नहीं होती, न्यूटन होती है, 15 N ना, वन, ऑनलाइन भी बोल सकते हैं प्लीज, सही आंसर। कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ कि ये 15 g
टेंशन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, देखो टेंशन तो होगी, रस्सी टाइट है, टेंशन कैसे लेते हैं, ये भी टी और ये भी टी, क्लियर है, ये भी टी और ये भी टी, क्लियर है, यहां पर भी देख लेते हैं, ये भी टी और ये भी टी, ये भी क्लियर है, यहां पे ये भी टी और ये भी टी, ये भी क्लियर है। टेंशन हर जगह पेयर में लगा दी मैंने, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो टी की वैल्यू क्या होगी इसमें, 15g, क्योंकि ना ऊपर वाली फोर्स बड़ी ना नीचे वाली बड़ी। अच्छा यहां भी देख लो, ये मूव नहीं कर रहा तो टी किसके इक्वल होगा, 15g, तो टेंशन यहां पर क्या होगी, 15g, 15 × 10, 150 newton इज द आंसर। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? टी करेगा 150 न्यूटन करेगा, यही तो क्वेश्चन है, वो रस्सी की टेंशन मेजर करता है ना, और टेंशन का मतलब फोर्स, वो फोर्स मेजर कर लेगा। और क्वेश्चन करो, सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, ये एक और स्ट्रिंग है, ये एक और ब्लॉक है, इसमें ये 15 kg है, ये 5 kg है, आपको ये बताना है टेंशन क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी।
हाँ जी, क्या आंसर आया टेंशन का? कितने लोगों का 75 आ रहा है? ऑनलाइन ऑनलाइन 75 आ रहा है, 75 आ रहा है, चेक करते हैं। yes, देखो इसमें एक वेट क्या है, इसमें 15 g, टेंशन टी। तो यहां से ये कहां जाएगा? नीचे। यहां पे कहां जाएगा? आगे। तो एक्सेलेरेशन क्या है? ए। एक्सेलेरेशन क्या है? ए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 15 g माइनस टी इज 15 into a। क्योंकि ये राइट जा रहा है तो राइट की फोर्स टी इज 5 into a। टी से टी कैंसल, 15 g इज इक्वल टू 20 a। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 15 g/20। तो a इज 15 × 10/20, 7.5। तो a जो भी 7.5 आएगा उसको यहां पुट कर दो तो t की वैल्यू 5 × 7.5 N निकाल देना, जो आंसर आए। ये आंसर है, t निकालने को बोला है, a निकालने को थोड़ी ना बोला है। ये तो आई क्या, पर t भी पूछा है। मेथड क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस।